नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शुक्ला पीबीआर स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 आज देखेंगे। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 से 4 तक हो चुकी है, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। यह है 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जो सीखना चाहिए। तो कंसेप्ट्स को बिना सीखे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स सीखेंगे कि कैसे इस चैप्टर में कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके कैलकुलेशन कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो करणी प्रयोग होगी, यानी रूड प्रयोग होगा। रूड का मतलब, करणी का मतलब ये सिंबल, इस सिंबल के अंदर जो रहेगा उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे, तो इसको सीखना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर रहता है 2+2, हम इसको ऐड करके सीधा 4 लिख देते हैं। लेकिन अगर इसी के ऊपर 2+√2 करके लिखा हो तो ये नंबर इसमें जुड़ेगा नहीं, ठीक है, नहीं जुड़ेगा। ये नंबर ऐसे ही जुड़ करके ऐसे लिख उठेगा, ठीक। अब अगर बात करते हैं, मान लीजिए अगर होता दोनों पे करणी होता √2+√2, तो ये क्या हो जाता, 1√2+√2=√2 हो जाता। तो ये है करणी का जोड़। करणी के अंदर अगर समान नंबर रहेंगे तभी जुड़ेंगे। अगर मान लीजिए लिखा है √5+√5, तो भी ये जुड़कर क्या हो जाएगा, 2√5। मान लीजिए लिखा है √7+√7+3√7, तो भी ये जुड़कर क्या हो जाएगा, 3√7, ये 1√7, ये 1/8, तो 3 1 4 1 5, तो 5√7 हो जाएगा। लेकिन अगर इस रूट के अंदर का नंबर समान नहीं है तो ये करणी आपस में जुड़ेंगे नहीं। कैसे, मान लीजिए √3 लिख दिए प्लस √5 लिख दिए, अगर इसको आप जोड़ना चाहेंगे √8 लिख दें, गलत हो जाएगा। ये √8 नहीं होगा, ये √3+√5 ऐसे ही लिखा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके करणी के अंदर के नंबर समान नहीं है, नंबर समान नहीं, इस वजह से ये नहीं जुड़ेगा। अगर बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए लिखा है √3+5√5+7√3+6√5, इसको ऐड करना है, क्या आएगा, तो देखिए √3 वाला यहाँ है, √3 यहाँ है, तो √3 √3 में जुड़ेगा। 7√3+2√3 कितना हो जाएगा, 9√3 प्लस √5 वाला √5 में जुड़ेगा, 6√5 और 5√5, तो 6 5 11√5 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर इसका। तो रूट को कैसे जोड़ेंगे और कैसे, सेम प्रोसीजर माइनस करने में भी होता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे माइनस करेंगे। तो करणी का, अगर करणी के अंदर नंबर समान है तो ही वो घटेंगे। करणी का घटाना, आइए देखते हैं करणी का घटाना कैसे इसको घटाएंगे। तो सेम काम है, अगर रूट के अंदर का नंबर समान है तो घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। जैसे √3 लिखा है -√5 लिखा है, क्या होगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, √3 -√5, ठीक है। अगर लिखा है 3√5 -√5, तो ये क्या हो जाएगा, 3√5 में से 1√5 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 2√5 आ गया। ऐसे ही देखते हैं, अगर कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं √21, 7√21+5√27 और +3√21 माइनस, यहाँ पर ये माइनस ले लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ठीक है,
ये माइनस, और फिर एक माइनस में ले लेते हैं, माइनस माइनस ले नीचे लिख दे रहे हैं माइनस 3√27। अब इसको हमको सरल करना है तो कैसे करेंगे, 21 यहाँ है, 21 यहाँ है, तो ये √21 ये √21 के साथ सिंप्लीफाई होगा, कितना आ जाएगा 7√21 में से 3√21 माइनस होगा, तो 7 में से 3 जाएगा 4√21, और 5√27 में से 3√27 माइनस होगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2√27 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे जोड़ेंगे ऐसे घटाएंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है, अगर बस सिंपल यही समझिए कि अगर करड़ी के अंदर रूट के अंदर नंबर समान है तो वो जुड़े घटेंगे, वरना ना तो जुड़ेंगे ना तो घटेंगे, ऐसे ही एज इट इज लिख उठेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, करड़ी का गुणा कैसे गुणा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं करड़ी का गुणा। तो करड़ी का गुणा इससे प्लस और माइनस से भी आसान है, कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है √3 × √5, तो ये अंदर का करड़ी के अंदर का नंबर समान नहीं है फिर भी गुणा हो जाता है। देखिए, करड़ी के अंदर का नंबर अगर समान नहीं है तो प्लस और माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर करड़ी के अंदर का नंबर समान नहीं है फिर भी करड़ी का गुणा हो जाता है, क्या होगा, √3 × 5 = √15। ठीक है, क्योंकि ये भी रूट है और ये भी रूट है, नंबर 3 × 5 = 3, 5 = 15 हो गया। अब अगर ऐसे आता है 2√3 × 5√7, तो बाहर वाले नंबर का बाहर के साथ गुणा हो जाएगा, 5 × 2 = 10, यानी 5 × 2 = 10, और करड़ी के अंदर जो है अंदर का अंदर में गुणा हो जाएगा, 7³ = 21। ठीक है, तो इस तरह से गुणा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए √3 × √3 है तो ये क्या होगा, जैसे 3 × 5 था तो यहाँ 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 = √9, और √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट देखा जाए यहाँ तक, तो अगर √3 × √3 है तो डायरेक्ट उसको 3 लिख लेंगे, डायरेक्ट 3 लिख लेंगे, कैसे, कि अगर कोई नंबर √a है × √a है तो ये डायरेक्ट a हो जाता है, क्या हो जाता है, डायरेक्ट a, अगर कोई नंबर √a है × √a है तो इसको डायरेक्ट a लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर √x × √x है तो इसको क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, कैसे लिखते हैं x, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब ये 3 × 3 होता है तो ये √9 हो जाता है और इसका वर्गमूल निकल जाता है, वर्गमूल निकल जाता है, जब रूट के अंदर कोई दो बार रहता है, जैसे 3 × 3 है तो इसका पेयर बनकर एक बार बाहर आ जाता है और रूट खत्म हो जाता है, 3 हो गया। ऐसे ही √ के अंदर जब a × a है, ये दो बार रहता है तो एक बार बाहर निकल जाता है और रूट खत्म हो जाता है, जिसका आंसर a हो जाता है। ऐसे ही x के साथ है, √x × x है, दो बार है तो ये एक बार हो जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। अगर कोई 4 बार है तो दो बार बाहर निकलेगा, कोई 10 बार है तो वो 5 बार बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से रूट का ये है गुणा। ठीक, अब आइए देख लेते हैं रूट का भाग। तो बस आपको रूट में गुणा में इतना ही याद रखना है, नंबर समान नहीं है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर नंबर समान है तो वही नंबर फिर से आ जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 5√7 × 6√7। ठीक है, √7 √7 समान है और 5 और 6 है तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, 5 × 6 = 30, और √7 √7 का मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा।
ठीक है, बस इतनी सी सब बात समझनी थी। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 3 = 21 और 210 आंसर आ जाएगा, यानी 5√7 और 6√7 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 210। तो √7 और √7 का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स और रूट एक्स का मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट एक्स, और रूट ए का मल्टीप्लाई डायरेक्ट ए लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। आइए देखते हैं इसका डिवाइडेशन कैसे होता है, भाग कैसे होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं करड़ी का भाग। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आप डेमो के तौर पर देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीवीआर स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पल पल का वीडियो आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं, जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6, यानी इसका ये है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 इक्वल टू, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 6 से डिवाइड करना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6, और फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/6। ठीक है, 3/6 को अंदर काट दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया। ठीक, अब √1 पे लगाएंगे, √2 पे लगाएंगे, 1 का √1 ही होता है और 2 का √2, तो आंसर क्या आ गया, अगर √3 में √6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 1/√2। ठीक है, इसमें ये समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए √a है √b है, तो ये क्या बन जाता है, √a/b बन सकता है, बन जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है √a/b तो ये क्या बन सकता है, बन जाता है, पूरे पे रूट है पूरे पे, तब ये √a/√b इसको लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, जब अलग अलग है तो एक में करके लिख सकते हैं, जब एक में लिखा है तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो बस डिवाइड में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना था। आइए देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 3√21 है अपान 8 बना देते हैं, 8√21 है अपान नीचे दिया है 2√7, इसको आपको डिवाइड करना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 8/2, और 21/7 से डिवाइड करेंगे, 21/7 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए रूट अलग अलग है, अलग अलग है, एक में मिलाकर लिख सकते हैं, तो ये 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 21, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो बाहर 2 और अंदर में 3/1, यानी 2√3, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2√3, यानी 8√21 अपान को डिवाइड करेंगे 2√7 से, तो क्या आ जाएगा, 2√3। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो जरूर बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, क्वेश्चन में साथ साथ बताते चलेंगे। अब देखिए, अगर थोड़ा सा समरी की बात करें तो जैसे √a + √b, इसको कर जोड़ेंगे तो क्या होगा, √a + √b ऐसे लिख उठेगा, अगर √a - √b घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, √a - √b ऐसे लिख उठेगा, अगर इसको √a × √b गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, √ab। ठीक है, अगर इसको भाग करते हैं √a/√b तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे बटे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √a/√b इस तरीके से है, इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे का √a/b। ठीक, तो ये चीज कॉन्सेप्ट हैं, समरी हैं चैप्टर के, इसको जरूर याद रखिएगा, ये आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 में क्या है।
एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय तथा कौन कौन अपरिमेय है। नीचे कई सारी संख्या दी है, इसके 5 पार्ट हैं, इसमें बताना है ये संख्या कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो आइए देखते हैं। अब वैसे तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, माइनस अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट 5 का मान क्या होता है, अगर अंडर रूट 5 को हम सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको भाग विधि मेथड से भी निकाल सकते हैं जैसे निकाला जाता है, तो इसका मान आएगा 2.236067 98। ऐसे आप जहां तक निकालते जाएंगे अनंत तक आएगा। ठीक है, तो अगर 2 में से इस अंडर रूट 5 के मान को, यानी 2.236067 98 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 2 इस 2 में से माइनस हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 0.236067 98। यानी कि हम इसमें माइनस कर सकते हैं 2 को। जब इसमें हम माइनस कर सकते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे कि 2 में से हम रूट 5 के मान को माइनस कर दिए, 2 माइनस हो गया और हमें एक फिर से संख्या मिल गई। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या है, थ्री प्लस √23, 3 + √23 −√23। तो हमने आपको बताया अभी कि माइनस और प्लस, रूट संख्याओं का माइनस और प्लस कैसे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + √23 ऐसे रहेगा, ये −23 लिख लेंगे, तो +23 −23 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0, और बचेगा क्या, 3। और 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 3 एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में क्या है, क्वेश्चन है कि, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय तथा कौन कौन अपरिमेय है। नीचे कई सारी संख्या दी है, इसके 5 पार्ट हैं, इसमें बताना है ये संख्या कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो आइए देखते हैं। अब वैसे तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, माइनस अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट 5 का मान क्या होता है, अगर अंडर रूट 5 को हम सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालेंगे, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको भाग विधि मेथड से भी निकाल सकते हैं जैसे निकाला जाता है, तो इसका मान आएगा 2.236067 98। ऐसे आप जहां तक निकालते जाएंगे अनंत तक आएगा। ठीक है, तो अगर 2 में से इस अंडर रूट 5 के मान को, यानी 2.236067 98 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 2 इस 2 में से माइनस हो जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 0.236067 98। यानी कि हम इसमें माइनस कर सकते हैं 2 को। जब इसमें हम माइनस कर सकते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे कि 2 में से हम रूट 5 के मान को माइनस कर दिए, 2 माइनस हो गया और हमें एक फिर से संख्या मिल गई।
ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, दूसरा क्या है। थ्री प्लस रूट 23, थ्री प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो हमने आपको बताया अभी कि माइनस और प्लस रूट संख्याओं का माइनस और प्लस कैसे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री प्लस रूट 23 ऐसे रहेगा, ये माइनस 23 लिख लेंगे, तो प्लस 23 माइनस 23 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, जीरो, और बचेगा क्या, थ्री। और थ्री क्या है, थ्री एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो थ्री एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, थ्री अपान वन लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।